और उसमें उस वक्त 2142 करोड़ रुपए का खर्चा था, तो वो गवर्नमेंट ने दिया और तब से वो हाईएस्ट ऑफ द स्केल आपको मिलनी शुरू हो गई। फिर साथियों, हमने तो सबने धार रखी थी कि वन रैंक वन पेंशन मैं मान लू ना, तो हमने अपनी मुहिम को जारी रखा। एक हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, वो हमारे एयरफोर्स के कमोडोर साहब के बेटे हैं, बेंगलोर से हैं, उस वक्त इंडिपेंडेंट एमपी था राज्यसभा का। उन्होंने सवाल उठाया राज्यसभा में कि ये वन रैंक वन पेंशन आप क्यों नहीं दे रहे हो, इतनी देर से आपने मान रखा है सरकारों ने, आप वायदा करते हो देते नहीं हो, तो इसका बारे में कुछ करो। तो साथियों, 2011 आ गया, 2011 में सरकार ने एक मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी बैठा दी। किसकी? मेंबर पार्लियामेंट की। उसमें 10 मेंबर पार्लियामेंट के रखे और उसका जो चेयरमैन बना दिया जो उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर रह चुका था, भगत सिंह कोश्यारी जी। और वो आप सबको मालूम है कोश्यारी कमेटी नाम से प्रचलित है। तो साथियों, उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया, उन्होंने बोला 5-5 मिनट देंगे, आके हमें बताओ। उन्होंने हमको भी चिट्ठी लिखी, तो हमने कोश्यारी साहब को सीधा बताया टेलीफोन करके भी लिखित में भी कि सर हमें 1 घंटा चाहिए, हम 5 मिनट में कुछ नहीं बता सकते। तो साथियों, आखिर में उन्होंने हमें दिया, हम सब मिलके उनको बताया। और मैं 2 बार पहले कह चुका हूं कि जब हमने अपना बातें बतानी उनको शुरू करी तो उन 10 में से 2 एमपीज की आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। कोश्यारी कमेटी ने वन रैंक वन पेंशन सभी डिफेंस पर्सनल को देने के लिए रिकमेंड करा, उन्होंने नहीं करा 2009 में, 2011 में उसको रिकमेंड कर दिया देना चाहिए। और डेफिनेशन फिर ढूंढ रहे थे, किसी के पास नहीं थी, हमारे पास थी, आगे नियुक्ति वही डेफिनेशन उन्होंने उसमें ली, जो डेफिनेशन कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने लिखी जो ठीक है वही कोश्यारी कमेटी ने लिखी। साथियों, ये कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा में 19 दिसंबर 2011 को पेश हुई, 19 दिसंबर 2011, अभी 2011 आ गया, ये चली गई पड़ी गई, लेकिन किसी ने कोई एक्शन तो नहीं किया। हमारी आंदोलन जारी रहा, बाकी आपके पास हिस्ट्री है कि आज के प्रधानमंत्री को 2013 7 सितंबर को नॉमिनेट किया गया कैंडिडेट प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि हम सैनिकों की रैली करेंगे रेवाड़ी में 15 सितंबर को, तो हमारे पास भी आए, हमने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। उन्होंने बोला क्यों, मैंने बोला जी आप हमारे को वादा करो, तो हमने लिखित में सभी पार्टियों को भेज दिया, बाकियों ने जवाब नहीं दिया, इस पार्टी ने हमें जवाब दिया बीजेपी ने कि हाँ हम आपकी सारी बातें करेंगे। उन्होंने बोला अभी आओगे, मैंने कहा जी आप पहले मुंह में से कंफर्म करो हमारे को बुला कर। तो ये बंगला साहब गुरुद्वारे के पीछे 38 नंबर में उस वक्त
कि प्रेसिडेंट बीजेपी आज के रक्षा मंत्री राजनाथ जी रहते थे, तो शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग हुई। हम 10 लोग थे प्रेसिडेंट बीजेपी के साथ। बारी बारी उन्होंने सभी बारी डिमांड को माना, सबसे पहले ओआरओपी, और बोला कि हम आपको 100 दिन के अंदर अंदर ओआरओपी दे देंगे। ये बोला। हम सब गए, वीके सिंह साहब भी आया। आज के प्रधानमंत्री जी बोले कि अगर हमारी सरकार 2004 में आई होती तो आज शायद वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा होता ही नहीं। साथियों, वहां पे मैं भी बोला 15-16 मिनट। अगर आप 15 सितंबर रिवाड़ी रैली देखोगे तो पूरी देखोगे तो मेरी भी स्पीच है। मैंने वही चीज दोहराई कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, इन्होंने वादा किया, अगर इन्होंने नहीं करा तो हम आंदोलन करेंगे। तो साथियों, 2013 में आज की सरकार ने हमें वादा कर दिया, लेकिन तब तक कुछ हुआ नहीं। अभी 5 साल बीते, 2014 आ गया, लेकिन उससे पहले 2012 में, मैं 13 के पहले 12 में एक और कमेटी बन गई जब हमारा आंदोलन जारी था, वो भी कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। उन्होंने भी हमें वन रैंक वन पेंशन तो नहीं दिया, लेकिन दोबारा वो गैप को ब्रिज कर दिया। पहले में बोला जो 2009 में हुई थी कि जवान और जेएसयू का हाईएस्ट स्केल को मिलेगा, लेकिन वो रैंक 10 महीने होना चाहिए। लेकिन जो 2012 में उन्होंने बोला, अभी हमें 10 महीने की जरूरत नहीं है, रैंक उसको मिलना चाहिए, चाहे 2 दिन हुआ, 10 दिन हो, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और उसको हाईएस्ट स्केल मिलेगा। और वो लागू हो गया 17 जनवरी 2013 से, लागू भी हो गया। 2014 का बजट आया। अभी पिछले वाली सरकार, यूपीए सरकार ने ये सोचा भी, शायद हम ये भी एक खेलते हैं, उन्होंने इंटरिम बजट में 17 फरवरी 2014 को वन रैंक वन पेंशन अनाउंस कर दिया। अभी उन्हीं की सरकार थी, अभी इलेक्शन हो रही थी, उन्होंने 17 फरवरी 2014 को वन रैंक वन पेंशन देने के लिए इंटरिम बजट में अनाउंस कर दिया, और उसके लिए कुछ पैसे रख दिए। कितने? 500 करोड़, जो कि पूरे नहीं थे और ना ही उससे हो सकता था। रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 8,000 करोड़ की, तो 500 करोड़ रुपया रख दिया। हमने उस दिन जाकर टीवी के ऊपर बोला कि ये तो शायद हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें ये वन रैंक वन पेंशन दे दिया। 26 फरवरी को उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन लेटर भी निकाल दी, और 24 अप्रैल को एक और ऑर्डर भी पास कर दिए। अभी सरकार बदली हो गई, नई सरकार आ गई। नई सरकार का गठन 26 मई 2014 को हुआ। आज के प्रधानमंत्री जी ने कसम ली 26 मई। 9 जून 2014 राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो दोनों सदनों को दी भाषण, ये अनाउंस किया कि हमने वन रैंक वन पेंशन कॉन्सेप्ट लेने का वो पास कर दिया है, और डिसीशन मेरी सरकार ने ले लिया। ये आ गया 9 जून 14। आगे बढ़े,
11 जुलाई 2014 जेटली जी ने पहला पूरा बजट अपनी सरकार का पेश किया। उन्होंने भी अनाउंस किया कि हमने डिफेंस फोर्सेस के लिए वन रैंक वन पेंशन देने का डिसीशन ले लिया है हमारी सरकार ने, और हम 1000 करोड़ रुपया और रखते हैं। 500 करोड़ पहले था, 1000 करोड़ रुपया और रख दिया। उन्होंने भी बोल दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ग्राउंड के ऊपर लेटर नहीं निकाली वन रैंक वन पेंशन की। हमने अपना ये हिसाब किताब जारी रखा, मूवमेंट को जारी रखा। 2 दिसंबर 2014 फिर पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया कि सरकार आपने वन रैंक वन पेंशन अभी तक दी नहीं अनाउंस करके, और अभी बताओ पूरे देश को कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल परिभाषा क्या है वन रैंक वन पेंशन। तो सरकार की तरफ से, नई सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से परिभाषा बोली गई पार्लियामेंट में, और वही परिभाषा थी जो कुशारी कमेटी ने लिखी, वही थी जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने लिखी, वही थी जो हमें मंजूर थी, वही थी जो 26 फरवरी 2014 को यूपीए गवर्नमेंट ने लिखी, वही थी जो 24 अप्रैल 2014 को बोली ऑर्डर्स में। ये सारा कुछ बता दिया और 2 दिसंबर तक उन्होंने यही रखा, लेकिन अभी तक नहीं दिया। उसके बाद आपको मालूम है, हम जब गए जेटली साहब के पास, उन्होंने बोला सारे पूरे करने के लिए थोड़ा होते हैं, ये वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवे, हम सब ने डिसाइड किया यहाँ 14 जून 2015 यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई वहां से लेकर वहां तक, और हम सब ने डिसाइड किया कि कल सुबह से 6 बजे हम रिले हंगर स्ट्राइक शुरू करेंगे 15 जून 2015। साथियों, सुबह 6 बजे एक टेंट लगाया गया पहले ऊपरली तरफ, सिर्फ टेंट, 180 पाउंडर, और पहला जत्था जलंधर का 11 आदमियों का भूख हड़ताल पे बैठ गया 6 बजे। मैं आया था सुबह अरदास करके, ईश्वर का नाम लेकर, आरती करके, हम सब ने मिलकर जयकारा बोलकर रिले हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी 15 जून 2015। उसके आज 2500 दिन हुए। ये आप समझ गए हो कि लगातार जो हम चल रहे हैं उसके आज 2500 दिन है। आप सबका बहुत श्रेय है उसमें, आप सबका बहुत हिस्सा है। ये शेरनी बैठी है, इसने 803 दिन के कितने दिन है, 810 दिन लगातार हर रोज ही भूख हड़ताल पे बैठी है। क्या मेरे साथी, इन्होंने सिर के ऊपर सुखदेव वैन कंपनी पूरे वहां से आना संगरूर से, और वहां सिर के ऊपर इन्होंने अपना रख के ये 15 दिन यहाँ पे 11 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप सब बैठे हो साथियों, हमारी ये सच्ची और सुच्ची मुहिम है। 2015 में पहले 7 नवंबर 2015 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का लेटर निकाल दिया, नई सरकार ने भी, लेकिन उसने वन रैंक वन पेंशन तो दे दिया, लेकिन बोला कि 5 साल में हम इसको इक्वलाइज करेंगे। और जो ऑलरेडी 2 कमेटियों ने और लागू था ग्राउंड पे कि हाईएस्ट ऑफ द रैंक, उसके बजाय उन्होंने एवरेज कर। अभी आपको मालूम है कि हम क्यों गए कोर्ट में, इन्होंने एक तो हाईएस्ट ऑफ द रैंक देने के बजाय एवरेज कर दिया, और दूसरा
ऑटोमेटिकल की जगह पीरियडिकल कर दी और पीरियडिकल 5 साल रखा। उसमें बहुत त्रुटियां हुई है क्योंकि सीनियर अपने जूनियर से कम लेने लग जाएगा बला बला बला, और वो गलत था। तो अगले ही दिन 8 नवंबर को हमने एक चिट्ठी लिखकर सरकार को सारी त्रुटियां, उस वक्त 7 त्रुटियां थी, वो सारी लिखी कि सरकार इनको दूर करो, और हमने अपना मुहिम जारी रखा। तो सरकार ने क्या किया, 14 दिसंबर 2015 हाई कोर्ट बिहार के एक रिटायर्ड जज थे, चीफ जस्टिस, उनको नियुक्त कर दिया वन मैन कमीशन, वन मैन कमेटी जो भी उन्होंने नाम दिया, उसको बोला कि आप बताओ वन रैंक वन पेंशन के अंदर कोई तब्दीली करनी है। प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद में अनाउंस किया कि वन रैंक वन पेंशन हमने लागू कर दिया है, हाँ उसमें कुछ रह गया है, हमने एक कमेटी बिठाई है, उसको देखकर हम वो भी पूरा जल्दी कर दें। और फिर यही चीज प्रधानमंत्री जी ने कोई 7 जगह पे फिर दोहराई है, कुरेज में, श्रीनगर में, एमपी में, कहीं ना कहीं कई जगह पे बोला, लेकिन सरकार ने नहीं करी। साथियों, हमारे एक वकील जो आज संसार में नहीं है, राम जेठमलानी साहब, वो यहाँ आए जंतर मंतर पर, और उन्होंने आप सबको वादा किया कि हम आपका केस डालेंगे, हम समझते हैं कि सरकार ने ये पूरी तरह से आपको वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। तो साथियों, 9 जून 2016 को ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया और एडमिट भी हो गया। अभी जो वन मैन कमेटी बिठाई थी उसने भी अपनी रिपोर्ट, वो पूरे देश भर में 22 जगह पे गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 26 अक्टूबर 2016। सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया और ना ही उसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन जैसे साथियों डिस्कशन हुई, यहाँ कैंट में भी हुई, हम सब बोले, आप भी बोले, हर जगह पे गए, तो वहाँ पे भी साथियों उन डिस्कशन से ये हमें पता लगता है कि जब उनकी रिकमेंडेशन भी असली वाली वन रैंक वन पेंशन की फेवर में थी, हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन जो हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने रिकमेंडेशन हमारी फेवर में लिखी, क्यों एक और है, क्योंकि सरकार ने पब्लिक नहीं करी, उससे भी ये जाहिर होता है क्यों नहीं करी। केस चलता रहा, 1 मई 2019 आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए एमओडी को कि एमओडी आप ये त्रुटियां जो वन रैंक वन पेंशन में है उनको दूर करो बातचीत करके टू द एक्सटेंट पॉसिबल। सरकार ने उसको नहीं करा। इसका मीनिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दफा ऑर्डर दिए हैं कि त्रुटियां हैं और उनका ऑर्डर है हमारे पास, वो सरकार के पास भी है, नहीं करा। हमें पूरी उम्मीद थी जैसे केस चला कि केस 100% हमारी फेवर में होगा, लेकिन साथियों 16 मार्च को जो ऑर्डर आया है वो दो भाग से देखो, एक भाग कि सीजीडीए जो कह रहा था कि वन रैंक वन, वो तो वन रैंक वन पेंशन खत्म करने वाले थे कि वन रैंक वन पेंशन फौजियों को नहीं देना चाहिए, लेकिन इस जजमेंट से वो पक्का कर दिया गया कि वन रैंक वन पेंशन फौजियों को मिलेगी। लेकिन वो मिलेगी क्या,
जो सरकार ने दी है। कहने का मतलब कि वो 5 साल के बाद हम बराबर करेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन तो उन्होंने मान लिया, जो पहला भाग है हमारा। जो दूसरा भाग है ऑटोमेटिकली का, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सरकार ने जो किया उसमें कोई गलती नहीं। ऐसे साथियों, हमारे पास बाकी के विकल्प हैं। हम वो जो दे रहे हैं वो तो 3 महीने के अंदर अंदर सबको मिल जाना है। अगर सरकार नहीं देती, जो नॉर्मली फिर जाएगी सरकार कोर्ट में कि अभी हमको नहीं हो पाया, अभी और 3 महीने दो ऐसे करो, पर देगी। अभी क्या देगी? जब उसने आपको 2014 से दिया तो वो एक्चुअल थी 2013 की, तो अभी 5 साल के बाद जो 2019 पहली जुलाई से देंगे वो पेंशनें होंगी 2018 की। आप समझ गए हो कि 2018 की जो पेंशनें हैं वो 2019 से लागू करेंगे। उसके ऊपर भी हमने नजर रखी है। हर रोज नए नए पैंतड़े आ रहे हैं, कोई नए नए 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक के एक जवान के लिए बोल रहे हैं कि उनका एरियर बनता है। एनीवे, हमने अपना वर्कआउट करके भेज दिया उनको कि ये है, वो चलने दो, लेकिन बाकी के हमारे पास 3 विकल्प अवेलेबल है। पहला विकल्प तो ये है कि हम उस जजमेंट की रिव्यू मांग सकते हैं और रिव्यू 30 दिन के अंदर अंदर डालना है। तो एक तो वो हमारे पास, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है क्यूरेटिव, एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है, वो किसी वक्त भी डाली जा सकती है कि आप थोड़ा इसको ठीक करें। और तीसरा है चीफ जस्टिस को लिखकर कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हमें हायर बेंच चाहिए। तो चीफ जस्टिस अगर समझता है तो वो तीन जजेस के बेंच के बजाय 5 जजेस बेंच बना सकता है। तो विकल्प हैं, लेकिन एक बात सही कि आपकी मेहनत ने जो एरियर्स हैं 2018 तक के, मतलब जो पहले के रिटायर हैं 1960 के, उनको पेंशन मिल जाएगी 2018 में। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि 2022 की नहीं मिलेगी और अगला होगा 2024 में, तो आपको 2023 की मिलेगी जो पहले रिटायर है। लेकिन एक सैनिक होने के नाते जो भी विकल्प हमारे पास हैं हम सब विकल्पों को एक्सरसाइज करेंगे और अपने हक के लिए अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। ये मुहिम तभी पूर्ण रूप से खत्म होगी जब हमारे को असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन मिल जाती है। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया, आप सबको आज 2500 दिन पूरे करने के बहुत बहुत बधाई। जो हमारे हर रोज़ लोग आते हैं, ये मेरे साथी बैठे हुए हैं मलकियत और अपने रघुवीर और बाकी क्या नाम है, जो हर रोज़ आने वाले हैं, ज़रा मेहरबानी करके खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, जो यहाँ हो। आप भी खड़े हो जाओ। राणा साहब, ये हमारे साथी हर रोज आने वाले हैं, मैं आपको दिल तह से सल्यूट करता, आप हमारे सच्चे सैनिक, शाबाश आपको कि आपने मुहिम को जारी रखा। बेटे, इन सब की फोटो खींचो और इनकी डालो कि ये हमारे स्तंभ हैं, आप हमारे स्तंभ हैं। हर रोज आते रहे, आप आकर इस मुहिम को जारी रखा और हम बीच बीच में आते रहे सब, और ये 2500 दिन की लगातार जो हमारी मुहिम है वो जारी है, जारी रहेगी। हम सरकार से एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से आज अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, सैनिकों को असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन दो, हम आपके दिल तह से धन्यवाद करें। तो ये मेरी अपील है और आप सबको शाबाश, आज 2500 दिन पूरे होने के, ईश्वर हमारे को साथ दे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे सैनिकों के साथ रहो और हमें न्याय दिलाओ, हमें सच्ची और सच्चा जो भावनाओं से
हम ये मुहिम चला रहे हैं, इसको अपना आशीष दो, अपना ब्लेसिंग दो। है खुदा, है वाहेगुरु, है ईश्वर, आपसे प्रार्थना है। तो श्योर इनफ ईश्वर जी हमारे को जरूर सुनेंगे और हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन दिलाएंगे। सरकार दे या कोर्ट से मिले, हम तो सरकार से अपील करते हैं कि हम आपके सैनिक हैं, हम आपके पूर्व सैनिक हैं। प्रधानमंत्री जी, जो आपने वायदा किया उसको पूरा करें और हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन दे। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार खड़े हो जाओ हम सब जन मोहन मानपुर। जन जन मन अभिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जगदीश माता की।